वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल के मेडिसिन वार्ड क्रमांक 52 ICU में शुक्रवार की रात को भर्ती पूर्व मंत्री विधायक सुनील केदार की जांच के बाद डॉक्टरों ने MRI निकाला। साथ ही ECG, इको सहित रक्त की अलग अलग जांच भी की गई। माइग्रेन की पुरानी बीमारी के चलते केदार को 2 लीटर ऑक्सीजन लगाया गया। इसके बाद ही सिरदर्द से राहत मिली। जिला सत्र न्यायालय ने नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में 150 करोड़ रुपए के घोटाले में केदार को 5 वर्ष के कारावास और 12.5 लाख रुपए दंड की सजा सुनाई है। न्यायालय का फैसला आने के बाद पुलिस वैद्यकीय जांच के लिए मेडिकल लेकर गई, जहां उनकी तबीयत खराब हो गई। माइग्रेन सहित सीने में दर्द की शिकायत बढ़ गई। डॉक्टर ने रात में ही ECG निकाला। रक्त की अलग अलग जांच भी की गई और ECG में कुछ बदलाव देखने के बाद उन्हें तत्काल मेडिकल विभाग के ICU में भर्ती करने की सलाह दी गई। इससे पहले शनिवार को उनका CT स्कैन किया गया और बाद में MRI निकाला गया। ECG में दिख रहे बदलाव पहले के हैं या अभी के, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही अन्य जांच भी की जा रही है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पालसी की रिपोर्ट।